हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो एक्टिवेशन फंक्शन में सबसे स्ट्रॉन्ग एक्टिवेशन फंक्शन कहलाता है और बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, रेल्यू, दैट इज रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट एक्टिवेशन फंक्शन। सिग्मोइड, टैनज, सॉफ्ट मैक्स, ये सारे एक्टिवेशन फंक्शन जनरली आउटपुट लेयर पे लगते हैं, पर रेल्यू एक ऐसा एक्टिवेशन फंक्शन है जो हिडन लेयर पे लगता है। और ये इसकी वजह क्या है? क्योंकि आप जब वेटेड सम निकालते हो, अगर वो नेगेटिव वैल्यू आ गई है तो वो उसे जीरो कर देता है और जो भी पॉजिटिव वैल्यू है उसको एज इट इज रखता है। तो उसकी रेंज हो जाती है जो आपके रेल्यू एक्टिवेशन फंक्शन की, वो होती है जीरो से लेके इंफिनिटी तक, है ना। दैट मीन्स नेगेटिव वैल्यूज विल कम आउट एंड अप टू जीरो और जो आपकी पॉजिटिव वैल्यूज है दैट विल रिमेन एज सच। इससे क्या फायदा हुआ? इससे ये फायदा हुआ कि कंप्यूटेशनली बहुत स्ट्रांग हो गया रेल्यू। जबकि आप सिग्मोइड लगाते हो तो एक्सपोनेंशिएशन ऑफ सम नंबर, इवन आपको सॉफ्टमैक्स में भी एक्सपोनेंशिएशन निकालना होता है और थोड़े से ऑपरेशंस भी परफॉर्म करने होते हैं, उसी तरह से टैनज में भी आपको बहुत सारे ऑपरेशन परफॉर्म करने होते हैं, इसलिए कंप्यूटेशनली बहुत इफेक्टिव होता है। और इसका ग्राफ जो बनता है फॉर नेगेटिव वैल्यू, इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम जीरो, आई मीन ऑन जीरो, और जो आपकी पॉजिटिव वैल्यूज है दैट विल बी मैप्ड एज सच, तो वो इंफिनिटी तक जाती है। तो यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन एग्जैक्टली ऑन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ऑलराइट, सो इसका एडवांटेज यही है कि ये एफिशिएंट बहुत ज्यादा है और कंप्यूटेशनली बहुत ज्यादा एफिशिएंट है। ऑलराइट, एक और अच्छी बात है कि जब हम ग्रेडियंट डिसेंट निकालते हैं रेल्यू में तो वो ग्लोबल मिनिमा तक पहुंचाने में बहुत हेल्पफुल होता है। विल ट्राई टू फिगर इट आउट कि ऐसा क्यों होता है व्हेन वी लर्न अबाउट ग्रेडियंट डिसेंट। लेकिन जब आपको ग्लोबल मिनिमा निकालना होता है, ग्लोबल मिनिमा मतलब लॉस सबसे कम होना चाहिए जिस पोजिशन पे, रेल्यू उसको कंप्यूट करने में या इवेल्युएट करने में बहुत ही ज्यादा एफिशियंट है। ओके, क्योंकि इसकी नॉन सैचुरेटिंग प्रॉपर्टी है, अगर आप पॉजिटिव निकालते जाओगे तो आपको मिलता चला जाएगा और लीनियर भी है। ओके, इससे हिडन लेयर में हम अप्लाई करते हैं, अभी हमने ये देखा। और एक खास बात ये भी है कि अगर हमने एक हिडन लेयर में रेल्यू अप्लाई किया है तो सारी हिडन लेयर्स में रेल्यू ही अप्लाई होगा। जो आपका न्यूरल नेटवर्क होता है उसमें एक इनपुट लेयर होती है, राइट, उसके बाद आपके पास हिडन लेयर्स होती है। तो हिडन लेयर कैन बी मोर देन 1, 2, 3, 4, वट एवर इट इज लाइक नंबर। तो जितनी ज्यादा हिडन लेयर्स होती हैं उतना ही ज्यादा आपका कह सकते हैं कि नॉन लिनियरिटी को सपोर्ट ज्यादा मिलता है और आपका क्लासिफिकेशन प्रोसेस उतना ही अच्छा होता है। ऑलराइट, तो हो सकता है 2 हो सकता है 3 हो, पर ज्यादा हम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि फिर कंप्यूटेशनली बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग भी हो जाएगा, बहुत ज्यादा कंप्यूटेशन हो जाएगा और कंप्यूटेशन ज्यादा होने से स्पीड बहुत कम हो जाएगी, राइट। तो अगर हमने एक हिडन लेयर में रेल्यू लगाया है तो फॉर श्योर जो हमारी बाकी की 2 हिडन लेयर्स हैं उसमें भी रेल्यू ही इम्प्लीमेंट होगा। नाउ देयर इज वन मोर प्रॉब्लम, डाइंग रेल्यू प्रॉब्लम आती है रेल्यू लगाते वक्त। डाइंग रेल्यू प्रॉब्लम क्या होती है? जब आपकी वैल्यू नेगेटिव है, दैट मीन्स इफ एक्स इज लेस देन 0, उस केस में हम कुछ भी लर्न नहीं कर सकते क्योंकि उसकी वैल्यू 0 ही आएगी। अगर 3-4 वैल्यूज नेगेटिव आ गई तो आपके पास 0 ही 0 वैल्यू आ रही है हर बार। ऑलराइट, तो इस प्रॉब्लम को हम डाइंग रेल्यू प्रॉब्लम करते हैं क्योंकि इस टाइम पर जब हम ग्रेडियंट डिसेंट अप्लाई करेंगे तो लर्निंग बिल्कुल भी नहीं होगी। ऑलराइट, और लर्निंग नहीं होगी तो स्टॉप वेरिएशंस विल बी स्टॉप, इनपुट में वेरिएशंस बिल्कुल 0 होते चले जाएंगे। इसमें एक हिडन लेयर में हमने रेल्यू लगाया और नेगेटिव वैल्यू आई तो जब हम दूसरी हिडन लेयर में जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। और सेफ अगर आपकी दूसरी हिडन लेयर में भी नेगेटिव वैल्यू आई तो फिर से 0, तो ये डाइंग रेल्यू प्रॉब्लम हो जाती है। अब इस प्रॉब्लम को काम करने के लिए एक नया वेरिएंट आया रेल्यू का जिसको हम बोलते हैं लीकी रेल्यू। लीकी रेल्यू में आप जो नेगेटिव वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई कर देते हो 0.01x से। ओके, तो एक छोटा सा मॉडिफिकेशन आ जाता है, मतलब आपका जो नेगेटिव साइड पे जो 0 पे मिल रहा था लाइन, अब वो 0 पे नहीं मिलेगा बल्कि थोड़ा सा उससे आपको एक वैल्यू मिलने लगेगी। मतलब आपको नेगेटिव क्वाड्रेंट में भी जो आपका थर्ड क्वाड्रेंट है वहां पर भी एक लाइन मिलेगी आपको, और क्वाड्रेंट 1 में तो वैसे भी आपको पूरा का पूरा एक लीनियर ग्राफ मिल रहा था। ऑलराइट, तो ये जो डाइंग रेल्यू प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लीकी रेल्यू है ये आपको एक क्वाड्रेंट में थोड़ी सी वैल्यू दे देता है जिससे आपका
न्यूरल नेटवर्क लर्न करने लग जाता है. मे बी इट इज वेरी स्मॉल लर्निंग, लेकिन एटलीस्ट लर्निंग होगी. ओके, बैक प्रोपगेशन प्रॉब्लम जो है, इसमें बैक प्रोपगेशन इज नॉट वेरी मच यू नो इफेक्टिव इन दिस केस, बट स्टिल डेड न्यूरॉन्स आपको एरिया में नहीं मिलेंगे. यू विल गेट सम वैल्यूज इन द नेगेटिव क्वाड्रेंट एज वेल. सो आई होप यू गॉट दैट थिंग कि रेल्यू कितना इफेक्टिव हो सकता है और रेल्यू कितना ज्यादा कंप्यूटेशनल एफिशिएंट भी है. सो थैंक यू स्टूडेंट्स.